अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको डफर वाइंस न्यूज़ चैनल पे वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी उसी स्टोरी सुनी होगी भाभी और नंद के बारे में, तो डफर वाइंस की टीम ने भी आपके लिए एक स्टोरी निकाल के रखी है, तो चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुसाना है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आज आपको एक दिन अपनी कहानी सुनाने लगी हूँ। तो शुरू मैं ऐसे करूँगी कि एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, किसी घर में थी, तो वैसे ही मैं फ्री थी, मेरे घर वाले सारे बाहर शॉपिंग करने गए हुए थे। तो एकदम दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं एकदम चौंकी कि इस टाइम कौन आ सकता है। तो फिर मैंने दरवाजे की साइड से देखा तो मेरी होने वाली नंद खड़ी थी। तो मैं एकदम घबरा गई, कहाँ मेरी असली हालत और कहाँ मेरी मंगनी पे मेकअप वाली तस्वीरें, उसमें मैं खूबसूरत लग रही थी, असल में मेरी कहाँ उस तरह की शक्ल। तो मैं बहुत घबरा गई उस टाइम के, इससे कैसे सामना करूं। तो फिर मुझे एक तरकीब आई, आखिरकार मैं भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। मुझे एक तरकीब आई, मैंने अपने दुपट्टे की मुकरे बांधी, पास मेरे झाड़ू पड़ा था, झाड़ू पकड़ा, दरवाज़ा खोल दिया। तो मेरी नन ने बोला, बाजी रुखसाना से मिलना था। बाजी वो तो अपनी अम्मी के साथ बाहर गई हुई है शॉपिंग करने। अच्छा, हाँ जी। कब तक आना? पता कोई नहीं, मैं अभी तक काम करती हूँ, घर काम करने आई थी। चले ठीक है, जब वो आए तो सुताना उसकी नंद आई। चले ठीक है, अल्लाह। शुक्र है उस टाइम मेरी हाजिर दिमागी काम आ गई, तो वरना तो मेरा रिश्ता टूट जाना था। बाकी इस चीज़ का सलूशन है, हमारे माशरे को चाहिए जिस तरह दूध पिलाई की रस्म होती है, जूता उठाने की रस्म होती है, या उसी तरह ना एक बरात वाले दिन मुंह पिलाई की रस्म होनी चाहिए। ये लड़कों के साथ धांधली हो रही है यार, एक्चुअली में चुईयां होती हैं, शादी वाले दिन देखो क्या बन के निकल आती हैं यार, क्या जुल्म है यार लड़कों के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ऐसा करना चाहिए, मेरी एडवाइस है यार। मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब